और अब अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से खबर, जहां वार्ड नंबर 24 में पालिका के उपचुनाव का मतदान जारी है। उपचुनाव में अभी तक 26% वोट डले हैं। अंबेडकर स्कूल के भवन में मतदान हो रहा है। कुल 435 वोटों में से 113 वोट पोलिंग हुए। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया जारी है और शाम 5 बजे तक मतदान होगा। SHO ईश्वर प्रसाद जांगी पुलिस की टुकड़ी के साथ बूथ पर मौजूद हैं। कांग्रेस, बीजेपी और 2 निर्दलीय सहित कुल 4 उम्मीदवार मैदान में। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है और शाम 5 बजे तक मतदान होगा। और वार्ड नंबर 24 में पालिका के उपचुनाव के लिए मतदान, उपचुनाव में अभी तक 26% वोट डले हैं। SHO ईश्वर प्रसाद जांगड़ पुलिस की टुकड़ी के साथ बूथ पर मौजूद हैं। कांग्रेस, बीजेपी और 2 निर्दलीय सहित कुल 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से खबर, जहां शाम 5 बजे तक मतदान होगा और सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। वार्ड नंबर 24 में पालिका के उपचुनाव का मतदान जारी, उपचुनाव में अभी तक 26% वोट डले हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विक्रम कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या कुछ पूरी जानकारी है? सुबह से मतदान की प्रक्रिया जारी है। हाँ मनीषा, मैं अपने सबसे दिलक को मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, यहाँ वार्ड नंबर रायसिंह नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 के अंदर उप चुनाव हो रहे हैं। और इससे पहले जो उपचुनाव ये जो हुए थे, यहाँ पे नगर पालिका उपाध्यक्ष हरीश दाबी, इनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद से लगातार ये जो है वार्ड का पद खाली चल रहा था, उसी को लेकर के आज जो है उपचुनाव वार्ड नंबर 24 में हो रहे हैं अंबेडकर स्कूल भवन के अंदर। और अभी तक जो है करीब 9 बजे तक तो ये 426% वोट प्रतिशत इनका मतदान हुआ था। 435 मतदाता हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल जो ताजा आंकड़े हैं, करीब 250 के करीब यहाँ वोट पोलिंग हो चुकी है। और सुरक्षा की दृष्टि से शांति व्यवस्था को लेकर SHO ईश्वर प्रसाद जांगिंड अपनी पुलिस टुकड़ी के साथ यहाँ पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस धारता भी पूरी तरह से यहाँ पे है। पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ लगातार राउंड दे रहे हैं और निगरानी कर रहे हैं। कुल यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस सहित 2 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। कुल 4 उम्मीदवार यहाँ पे आमने सामने की टक्कर में ये चुनाव लड़ रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है और शाम 5 बजे तक मतदान होना है। पुलिस भी मौजूद है।